नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज हम सुहरे पोल्ट्री फार्म पर जो कि झुके ही कटनी से महज 12 किलोमीटर दूरी पर है और ये पिछले 3 सालों से फार्म जो है वो रन कर रहा है। और आपने विपिन सुहरे को पहले भी देखा होगा, हमने इनके बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं वो बनाए हुए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो नए हमारे फार्मर हैं जो अक्सर मार्केटिंग को लेकर सवाल पूछते रहते हैं कि मैं जो मुर्गियां हैं या जो चूजे हैं या जो अंडे हैं वो सेल कहां करूं। मार्केटिंग की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और सबसे बड़ी बात भी है कि जिसके पास अगर खुद की मार्केटिंग नहीं है तो वो सेल करने में असमर्थ होता है। तो विपिन भाई ने अपने अनुभव से ही इन 3 सालों में कुछ अपने लेवल पर अपनी मार्केटिंग की है, तो जो हमारे नए दर्शक हैं तो एक गाइड के रूप में विपिन भाई जो हैं हमसे जुड़ने वाले हैं और आप सभी को गाइड भी करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी मार्केट जो है वो तैयार कर सकते हैं। चाहे फिर आप कड़कनाथ पालिए, सोनाली पालिए या इवन आप बतख पालिए, बेचने में कोई समस्या नहीं होगी। चाहे आप बर्ड सेल करें, चाहे आप चूजे सेल करें या इवन अंडे सेल करें, वो आसानी से आप सेल कर सकते हैं। तो किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए मुर्गियाँ पालते समय, हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं विपिन भाई से और डिटेल में जानकारी देते हैं। तो विपिन भाई, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा सा इस फार्म के बारे में बताइए और अपने बारे में बताइए। सबसे पहले नमस्कार हरीश भैया जी, आपका और आपके सब्सक्राइबर का। और हरीश भैया, वैसे मेरा नाम विपिन शिवहरे है, मेरे फार्म का नाम शिवहरे पोल्ट्री फार्म एंड हैचरीज है और ये फार्म कटनी से 15 किलोमीटर दूर टिकरवारा पे स्थित है। जो मेरा विलेज वैसे झुके ही यहाँ से 3 किलोमीटर आगे मेरा गांव है। और जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि फार्मर के मन में सवाल, आज के फार्मिंग तो करता है लेकिन उनके मन में बहुत सवाल रहता है मार्केटिंग का। तो हरीश भैया, आपने तो मुझे शुरू से देखा है, मुझे हेल्प करने वाला कोई था नहीं, मैंने खुद के दम पे अपना मार्केट तैयार किया। जो है मैंने खुद गलतियां कर करके सीखा, मैंने ऐसा नहीं, मैंने साल डेढ़ साल कोई लेबर नहीं रखी, बहुत छोटे लेवल से किया था। लेकिन जब व्यापार बढ़ने लगा तो मैंने सेलिंग कैसे की जाए, इसके लिए मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे लेवल पे, कहते हैं ना, एक मार्केटिंग मैंने तैयार किया। उसी के मैं आज कुछ अपने एक्सपीरियंस आप लोग से आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपके द्वारा आपके जो मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, जो दर्शक हैं जी, उन तक पहुँच सके बात। क्योंकि फार्मर सबसे डरता है हरीश भैया, आज की डेट में पहला चीज़ उनका डर आता है कि भाई हम मतलब पाल तो लें, बेचेंगे कहाँ पे, बहुत बड़ा सवाल है। वो हकीकत ये सवाल जेन्युइन भी है, क्योंकि पालना कोई कड़कनाथ या देसी को पालना कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसमें एक चीज़, इसमें शुरुआती पालने में एक चीज़ दिक्कत आती है कि ब्रीड की क्वालिटी अच्छी मिले। आप जैसे मेरे फार्म पे अपने ब्रीड बर्ड देखे होंगे, आपको जेट ब्लैक क्वालिटी दिखेगी बर्ड की, कड़कनाथ की। मैंने भी जब शुरुआत की थी तो इसमें ही मुझे ऐसा नहीं कि मुझे थोड़ा गोल्डन पेंसिल सब मिला था, लेकिन मैंने जब धीरे धीरे बिजनेस को आगे ग्रोथ किया, मार्केट के हिसाब से देखा कि मार्केट में जेट ब्लैक की डिमांड है, तो मैंने सारे ब्रीड को जेट ब्लैक पे कन्वर्ट कर दिया और जो गोल्डन थे पेंसिल थे उनको मीट पे कट करवा दिया, तो मेरे पास ब्रीड की क्वालिटी अच्छी हो गई है। अब आते हैं अपन, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग, आपका प्रॉपर क्वेश्चन फार्मर का भी, आपका भी मुझसे यही कि मार्केटिंग करे कैसे। तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस यही है, जब मैंने शुरुआती मार्केटिंग की थी तो मैंने अपना सिटी लेवल पकड़ा था, आपने मतलब छोटे जैसे पास मेरे कटनी सिटी है, तो मुझे इतना नॉलेज आ गया था कि मेरे शहर पे कोई भी देसी फार्म नहीं है। बट ये है कि और लोग खाने वाले तो हैं, आपको ही बता दूं कि हर शहर पे 20-25% ऐसे कस्टमर पेशेंट होते हैं जिनको देसी मतलब ऑर्गेनिक चीज़ खाना पसंद होता है और देसी कड़कनाथ या सोनाली देसी ब्रीड खाने के उनको शौक होते हैं। हाँ हाँ। लेकिन उनके पास भी एक प्रॉब्लम होती है, उनको पता नहीं रहता कि भाई हैबिलता कहाँ है। भाई ये तो आप फार्म खोल लिए, फार्म कहीं आउट पे ही खोलता है, तो फार्मर को कैसे पता चलेगा कि आपके पास फार्म ओपन हो गया। तो ये ही मार्केटिंग करने का पहला रूल यही है कि आपको प्रचार प्रसार इतना तगड़ा करना है कि आपके सिटी पे पब्लिक के पास पता चल जाए कि आपने कड़कनाथ का या देसी का फार्म ओपन कर लिया है, लोगों के पास नॉलेज आ जाए। अब इसके भी तरीके होते हैं भाई, पता कैसे चलने दे। तो आपको भी पता है कि सिटी पे सबसे ज़्यादा बिकता है आज की डेट में सुबह सुबह न्यूज़ अखबार, न्यूज़पेपर। तो आज की डेट में 20 से 25 से 50 पैसे का पैम्पलेट छपता है। आप 5-6 पैम्पलेट छपवाइए
अपने न्यूज़पेपर वाले को 500 रुपये दीजिए, पहले हफ्ते 1500 पंपलेट उसको बोलिए, वो हर पेपर में डाल डाल के एक दो दिन करके हर घर पहुंचा देगा। मैं कहता हूं पर डे अगर 1000 अखबार भी कर रहा है, 1000 की जगह 50-100 लोग ने भी देखा तो आपके लिए प्लस ही है। फिर एक हफ्ते बाद फिर आप वापस उसी को भेजिए, ऐसे करके 4 बार आप उनको मतलब अपने पैम्पलेट को हर हफ्ते बाई हफ्ते 500-500 रुपये दे के न्यूज़पेपर वाले को घर घर पहुंचाइए। मैं गारंटेड कहता हूं कि कम से कम 100 कस्टमर आपका प्लस होगा। आप ये बात नोट कर लीजिए, देखिए ये नॉलेज कोई नहीं देगा, मार्केटिंग करने का सबसे तगड़ा नॉलेज है। दूसरा होता है आपके यहाँ हर सिटी लेवल पे कहीं पर 100 कटिंग शॉप हैं, 50 से 100 कटिंग शॉप होती होती छोटी बड़ी मिला के। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने विजिटिंग कार्ड छपाइए, 500 रुपये में 500 विजिटिंग कार्ड छप जाते हैं। आसपास रास्ते में ढाबा होते हैं, अगर आप जाते हैं कोई और काम से भी जा रहे हैं भाई, 2 मिनट रुक के अपना विजिटिंग कार्ड सामने वाले जरूर दीजिए, क्योंकि ब्रॉयलर के फार्मर मिल जाएगा लेकिन देसी कड़कनाथ के अंडे या कटिंग के मुर्गे वगैरह कहीं नहीं मिलते, आसानी से नहीं मिलते। छोटे लेवल मिल जाए तो भले अलग बात है, बड़े लेवल के फार्मर बहुत कम मुश्किल से होते हैं। तो आप कटिंग वाले को दीजिए तो वो आपको बिजनेस बढ़ा के देगा। ऐसे नहीं कि महीने पे आपको कम से, मैं कहता हूँ भाई 50-60 मुर्गे का भी ऑर्डर धीरे धीरे आने शुरू हुआ, ये शुरुआत टाइम बोल रहा हूँ, इन फ्यूचर वो बढ़ेगा, आप वो बिजनेस पे करिए। तीसरा आपको मैंने ढाबे का बताया कि आसपास जितने भी ढाबे वाले, ढाबे वाले में ट्रक भी रुकते हैं, ढाबे वाले खुद शौकीन होते हैं और उनके यहाँ मीट का भी काम चलता है, तो वहाँ पे भी अच्छा लेवल मार्केटिंग हो सकती है। एक आप करिए कि जैसे आपके यहाँ सबसे अच्छा बताता हूँ वाइन शॉप, आपके पता है मैं जैसे MP में हूँ, अब कुछ जगह वाइन शॉप नहीं होती तो वहाँ का नहीं बोल सकता, लेकिन जहाँ जहाँ वाइन शॉप होती है आप एक वाइन शॉप पे 10 से 15 स्टाफ होता है, और जितना भी स्टाफ होता है वो अच्छे लेवल पे मतलब कहते हैं ना खाना पसंद करता है, तो आप वाइन शॉप पे अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि मैं हर वीक 5 से 6 किलो माल मेरा वाइन शॉप पे ही जाता है, क्योंकि रेगुलर कस्टमर हो गए, उनके पास अच्छी इनकम आती है, उनके पास 10-15 लोग का स्टाफ होता है तो वहाँ पे अच्छा जाता है, और वो कुछ अपने कस्टमर से भी प्रोवाइड करते हैं कि हम कड़कनाथ खाते हैं। और आपके यहाँ पुलिस चौकी होती है, पुलिस चौकी में मैं किसी के वो नहीं कर रहा कि पुलिस गलत होती है, पुलिस का मीन्स देखिए इनकम अच्छी होती है तो वो खाना ही पसंद अच्छा करते हैं, वो तो खाते कई उनके जैसे कई लोग अपने फायदे के लिए, पुलिस वालों को कैसे नहीं कि खिलाना है कि भाई कड़कनाथ सारा खाइए, तो अपने फायदे के लिए पुलिस वालों को भी आप मतलब पुलिस थाने में कड़कनाथ अच्छा जाता है। आप आसपास के आप ये देखें कि आपके यहाँ जैसे आसपास कोई हॉस्पिटल, खासकर लकवा का लकवा जो जिस हॉस्पिटल में मतलब डॉक्टर लकवा पेशेंट देखता हो, प्रेग्नेंट महिलाएं हो, कैंसर, अस्थमा, डायबिटीज़ ये सब के पेशेंट हो, जो डॉक्टर देखता है उनको अपना एक तरीके से MR बन के जाइए, अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए, थोड़ा बहुत उनको भाई कुछ कमीशन दीजिए, तो आपको भाई कड़कनाथ बहुत फ़ायदेमंद है बीमारियों में, तो आप उनको ये सजेशन दे सकते हैं, मतलब डॉक्टर को अपनी विशेषताएं बताइए, वो अपने कस्टमर्स को लिखेगा। आपको भी पता है डॉक्टर आज की डेट में कुछ भी लिख दे, अगर लिख दे नीम के पत्ते खाने से कैंसर ठीक होता है तो पेशेंट नीम के पत्ते खाएगा, तो एक बेनिफिट ये भी है मार्केटिंग का। और अगर ये सब तो है ही, आप और ये आपको मैंने क्या अपने लोकल एरिया का बताया, आपको अगर बड़े लेवल पर मार्केटिंग करनी है तो आप छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो, आजकल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको मार्केटिंग करने का, तो आप छोटे छोटे वीडियोस YouTube पे डालिए, WhatsApp पे शेयर करिए, ग्रुप इतने सारे ग्रुप्स होते हैं उनमें शेयर करिए, ऐसे Facebook पे शेयर करिए, या आपके थ्रू भी कॉल कर सकते हैं आप छोटे मोटे सोशल मीडिया से आप ऑल ओवर इंडिया, मैं खुद देखिए मैं आज ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है, जिस स्टेट में था जम्मू कश्मीर से लेके मैंने आदिलाबाद जो अभी RRR मूवी आई थी उस स्टेट में मैंने सप्लाई दे चुकी है, हैदराबाद का मेरे पास ऑर्डर लगा हुआ है, अभी फिलहाल सागर MP सागर का एक ऑर्डर है, इलाहाबाद के मेरे पास ऑर्डर बुकिंग चल रही है, तो बस ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ मार्केट बहुत अच्छा है, खाली करने का तरीका होता है, मार्केटिंग करने का तरीका होता है, लोग पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छे तरीके से मार्केटिंग करने सीखेंगे तो अच्छा बिजनेस है। हाँ, लेकिन अगर सोचेंगे कि कहाँ करूँगा तो सर कुछ नहीं हो पाता। कोई भी बिजनेस को पैसा आज भी रेडियो भाई मैं 1,00,000 रुपए कमा रहा हूँ तो उसके पीछे मेरी मेहनत है, मेरा दिमाग है कि मार्केटिंग करते कैसे हैं, वही मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा, आपके दर्शकों से शेयर कर रहा कि मैंने मार्केटिंग में इतनी मेहनत की है तो इस लेवल पे आज हूँ। तो हर फार्मर इसी लेवल पे थोड़ा बहुत करे तो बहुत सक्सेस है,
और जो भी हेल्प चाहिए हो तो हरीश भैया मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ, कभी भी फार्मर मुझे कॉल कर सकता, जानकारी ले सकता। हाँ, कभी कभी मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही रहेगा, तो उसमें आप व्हाट्सअप पे मैसेज डाल दीजिए, फ्री होते ही उनको कॉल करके जवाब दूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगी उनको सॉर्ट आउट करूँगा।